गंदा आदमी अगर आपको मांग लेंगे तुम्हारी गंदी नियत देखे बेटा हम हेलमेट लाए हैं बेटा भाई साहब भाई सुनो मैं ऐसे पैसे लूंगा अब हम लोग एक आपस में शर्त लगाने वाले हैं क्या लगाने वाले हैं और जो मुझसे उस चैलेंज में जीत जाएगा उस बच्चे को हम लोग इनाम में देंगे क्या छोटी बात कर दी यार आप उसको इनाम में दिया जाएगा 21,000 रुपए बच्चों जो अच्छा जो मांगोगे वो दे देंगे बच्चों ले लेना बच्चों गंदा आदमी कह रहा आपको मांग लेंगे तुम्हारी गंदी नियत हमारा टास्क है देखो बच्चों आज हम एक बहुत सिंपल सा काम करने वाले हैं मैं यहां से वहां छलांग मारूंगा क्या मारूंगा और बस आपको मेरे से ज्यादा दूर छलांग मारनी है मैं और चैलेंज में शर्त में समझ गए ना अगर आपने चलो ऐसा करते हैं शुरू करते हैं ताकि सबको दिख भी जाए और ये बैग डालो और अगर आपने मुझसे ज्यादा आगे छलांग मार दी तो जो आप मांगेंगे जो आप पैसा मांग लो आप इज्जत मांग लो आप जो मर्जी मांग लो ठीक है 10,000 रुपये मिलेंगे बच्चों कितने हजार रुपये सबसे पहले मैं आपको दूंगा ठीक है और वहां पे हम एक मार्क लगा लेंगे बच्चों क्या लगा लेंगे तो मैं इस लाइन से कूद रहा हूँ ओके अब मैं इस लाइन से छलांग अबे छलांग ऐसे क्या छलांग तो मार रहा हूँ बच्चा ये बैठे तो 1 2 3 तो बच्चों यहां तक मैंने क्या मार दिया है छलांग अब आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो चैलेंज लेने को तैयार है नहीं नहीं इतने सारे नहीं 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 इतने सारे बच्चे नहीं इतने सारे एक आप लोग भी कहोगे हमेशा वीडियो के बीच में आ जाता है लेकिन आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया पहली बात तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है पूरी देखना और देखना कोई बच्चा पैसे जीत पाया कि नहीं और अगर आपको भी ये चैलेंज लेना हो तो आपको खुला चैलेंज है जो भी इसको कर दे उसको 50,000 रुपये का इनाम मिलेगा लेकिन ये चलो बातें होती रहेंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है एक मिनट लूंगा बस ज़्यादा नहीं हम लोगों ने नीट का एक चैनल खोला था अभी कुछ दिनों पहले जहाँ पे हम लोगों ने नीट 2022 के लास्ट टाइम रिवीजन कराई थी नीट के एग्जाम से सिर्फ एक हफ्ता पहले चैनल खोला था 6 दिन 6 वीडियोज डाली थी आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक के ऊपर फिर हम वहाँ पे अभी थोड़ा सा इनएक्टिव हो गए थे क्योंकि कुछ प्लान कर रहे थे लेकिन फाइनली 2023 यानी कि 2023 नीट की तैयारी वहाँ पे अब शुरू होने वाली है इसी हफ्ते से यानी कि पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे हैं और क्या पता तैयारी शुरू हो भी गई हो लेकिन अगर आप ये आज वीडियो पहले दिन देख रहे हैं तो बस एक दो दिन में ही हम लोग वहाँ पे वीडियो डालना शुरू कर देंगे नीट 2023 की तो अगर आपने अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप 11th के हैं 12th के हैं या फिर आप नीट एस्पिरेंट ड्रॉपर हैं किसी भी तरीके से अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब नहीं भी करना है तो वो मतलब आप देख लें आप इस चैनल को जाके गो थ्रू कर लें और आपको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाई जाएगी फिजिक्स से बहुत बच्चे डरते हैं नीट के क्योंकि उनको बायो में इंटरेस्ट होता है वो फिजिक्स के उनका एक लिए हुआ लेकिन आपको पता है हम लोग फिजिक्स को एक ऐसे हंसी मजाक और फन तरीके से पढ़ा देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और हो सकता है फिजिक्स आपका एक प्यारा सब्जेक्ट भी हो जाए ये बात आप ध्यान रखिएगा चलिए ठीक है तो नीट की तैयारी वहां पे कराई जाएगी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है पूरा एक साल है ताबड़तोड़ तरीके से लाइव आएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आएंगे स्केड्यूल आएंगे PYQs आएंगे असाइनमेंट्स आएंगे बहुत कुछ आने वाला है जाओ चैनल लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में होगा जाके देख लेना और मिलते हैं उस चैनल पे नीट की तैयारी करेंगे बाकी साइंस एंड फन पे तो चीजें आती रहेंगी थैंक यू सो मच थैंक यू जाके चैनल देख लो अगर नीट एस्पिरेंट हो या 11th 12th के हो थैंक यू सो मच आ जाए एलेक्स अरे एक सेकेंड हाँ एक ये आ जाए ये लड़की आ जाए आओ ना भाई जल्दी आओ तीन बच्चे लेंगे हमको तुम आ चुके हो नहीं ये घुंघराले बाल वाला आ जाए अच्छा ऐसा करते हैं ना अरे सुन घुंघराले बाल वाला आ जाओ भाई बंद करो ऐसा करते हैं आपको इनके देखने के बाद करने का मन करे तो आप भी आ जाना पर करेगा नहीं आपका मन चैलेंज क्या है इनको इधर से उधर क्या मारनी है मेरे से आगे मारनी है बट बच्चों पैसा है तो साथ में थोड़ा सा ट्विस्ट भी होगा बच्चों ट्विस्ट ज्यादा बड़ा ट्विस्ट नहीं है ट्विस्ट ये है कि इनको ये छलांग मारनी है स्केट्स बोर्ड पे खड़े होके बच्चों एक सेकंड बच्चों नहीं 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 अब आपने शर्त लगा ली सर मुझे लगा सिंपल है बच्चों हमारी शर्त लग गई है ठीक है और अगर ये हारे तो इनको मुझे देने हैं 10,000 रुपये अच्छा आपको क्या लगता है कि ये
अरे चोट ऐसे कैसे लग जाएगी बेटा, हम हेलमेट लाए हैं बेटा, हम हेलमेट लाए, सबसे पहले ये ट्राई करेगा, हेलमेट पहन लो बच्चा। यार सेफ्टी फर्स्ट होती है यार, ये पैर में पहन लो बेटा, वैसे ये मेरे छोटे बच्चे के हैं पर घुटना तो बच ही जाएगा बेटा, इसके ऊपर खड़े हो जाओ, तुम कभी तुम इसके खड़े हुए हो, पहले आगे पैर रखते हैं फिर पीछे पैर रखते हैं, पहले आगे पैर रखते हैं फिर पीछे पैर रखते हैं, थोड़ा सा आगे हो जाते हैं, ठीक है। अब तुम्हें छलांग मार के उस लाइन से आगे जाना है, हम वन टू, मर जाएगा गंदे आदमी, वन टू थ्री बोलेंगे छलांग मारेगा, हमने हेलमेट इसलिए बनाया था कि सर बेंच बेंच पे लगे तो बच जाए इसका। वन टू थ्री, एक और ट्राई देना, नहीं नहीं एक ट्राई और, पैर आगे, तुमने छलांग तो मारी नहीं यार, अच्छा ये तो चलो वन, चलो 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 फिर मैं आपको समझाऊंगा ये पॉसिबल क्यों नहीं है, चलो वन टू थ्री, बैठ जाओ जाओ, बच्चे का ताली मारो। हेलमेट के वजन से गिर तो नहीं जाओगे आप बेटा? हाँ चढ़ो इसके ऊपर, चढ़ो शाबाश, चला मुझे लग रहा है एलेक्स कर देगा, सोचो एलेक्स में 10,000 रुपये पड़े बेटा, वन टू, भाई साहब ये ले लो आगे, भाई सुनो अब मैं इसे पैसे लूंगा, बट बात सुने, ये पॉसिबल क्यों नहीं है पहले? क्योंकि जब हम जमीन पे एक्शन लगाते हैं, क्या लगाते हैं? तो जमीन का मास इस बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा बड़ा, और हमारा मास क्या है? कम। तो न्यूटन जी का सेकंड लॉ कहता है, सेकंड लॉ, जिसका मास क्या होगा कम, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो हमारा मास कम होता है, जमीन का मास ज्यादा होता है, तो हमारा एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, हम आगे जाएंगे। बट अगर हम बात करें जब हम स्केटबोर्ड पे चढ़ जाते हैं तो स्केटबोर्ड का मास क्या हो जाता है? कम। इमेजिन करो अगर मैं इसी स्केटबोर्ड पे इधर 50 किलो और इधर 50 किलो के डंबल बांध दूं तो क्या ये पॉसिबल हो जाएगा? क्योंकि उसका मास जो उसके ऊपर चढ़ रहा है उससे क्या हो जाएगा? बात समझ में आई बच्चों? तो ये पॉसिबल इसलिए नहीं है। अच्छा एज्यूम करो कि आप केले के छिलके पे हो, तो ये क्या वही साइंस लग रही है? जब हम केले के छिलके पे पैर रख देंगे तो क्या होगा? केले का छिलका इज नॉट कनेक्टेड टू दी अर्थ। अगर मैं केले के छिलके को टेप से अच्छे से चिपका दूं किसके साथ? जमीन के साथ, तो आप नहीं फिसलोगे। लेकिन जब आप केले के छिलके पे पैर रखते हो और आप पीछे क्या लगाते हो? एक्शन, तो उसका मास क्या होता है? कम। उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होने की वजह से वहां से निकल जाता है। पैसे का लालच है ये, एक सेकंड पैसे का लालच है बच्चों, नहीं चाहिए, वन टू, अभी ऐसा आगे ना मुझे पुश करेगा, हम समझेंगे न्यूटन की साइंस को, पुश करो। अब अगर ये इसके ऊपर खड़ा हो जाए, सुनने वाली बात है यार, आप बताओ जब इसने मुझ पे क्या लगाया? एक्शन, तो मैंने भी इस पे क्या लगाया होगा, बट आपको वो दिखा नहीं, एक्शन तो दिख गया, क्या नहीं दिखा? लेकिन अब दिखेगा, खड़े हो जाओ, अब आप मुझे धक्का मारो, पर डरो मत, अब देखो क्या हो रहा है, अब ये पीछे जा रहा है, क्यों जा रहा है? बिकॉज एवरी एक्शन हैज,